Students, myself Sukhas. This is session number 3 of class 8 ncert science, chapter number 2, microorganisms, front and fore. In this session, we will discuss what is food preservation and what are some common methods by which we can preserve the food. So let's start. Food preservation. Food preservation prevents the food from being spoiled by the action of enzymes and microorganisms. Food preservation is a method एक ऐसा तरीका है मतलब जिस तरीके से हम फूड को माइक्रोऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकें जिससे फूड खराब ना हो. इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम खाने को माइक्रोऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं जिससे हमारा फूड खराब ना हो उस प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. यहाँ पर कुछ कॉमन मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है, प्रिजर्वेटिव. तो ये केमिकल मेथड होता है. प्रिजर्वेटिव के रूप में हम कई चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर आल्सो कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. सॉल्ट एडिबल ऑयल को हम क्या प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं बिकॉज दे प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड को माइक्रोब्स के अटैक से बचाते हैं. इसके अलावा नॉर्मली जो हम मार्केट में अवेलेबल प्रिजर्वेटिव हो क्या है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट. ये ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं. सेकेंड, प्रिजर्वेशन बाय सुगर. सुगर से फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है. जैम्स, जेलीज एंड स्पेसेस आर प्रिजर्व्ड बाय सुगर बिकॉज सुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो जैम जेलीज मार्केट्स में अवेलेबल होती है उसमें सुगर ज्यादा मात्रा में होती है. सुगर क्या करती है, सुगर फूड से मॉइस्चर को रिमूव करती है जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते हैं. अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे तो फूड काफी लंबे समय तक सेफ रहेगा. नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर जैसे आप लोग देखते हो बिकॉज अचार में बहुत सारा क्या तेल डाला जाता है, सिरके का भी यूज करते हैं. तो ऑयल विनेगर क्या होता है, ऑयल और विनेगर भी जो होता है वो फूड को क्या करता है, बैक्टीरिया से बचाता है. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट. जब बहुत ऑयल ज्यादा होगा या विनेगर होगा तो एक ये एनवायरमेंट जो होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए अनसुटेबल होता है. मतलब क्या, इस एनवायरमेंट में माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे जिससे कि फूड हमारा क्या प्रिजर्व हो जाएगा. इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करने में, फ्रूट्स को, मीट को प्रिजर्व किया जाता है मेथड के द्वारा. नेक्स्ट क्या, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखिए होता है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहले बढ़ा देते हैं फिर तुरंत उसे कम कर देते हैं. अचानक टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तुरंत इस जो चेंज हो रहा है उनके टेम्परेचर में, उनके बॉडी टेम्परेचर में या एनवायरमेंट में, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से उनकी क्या डेथ हो जाती है, मतलब क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं. हीटिंग दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड बाय कूलिंग स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. हीट करने से क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और कूल करने से, कूलिंग प्रोसेस से क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होती है रुक जाती है. क्योंकि ये क्या माइक्रोब्स के लिए अनफेवरेबल एनवायरमेंट हो जाता है. अचानक से टेम्परेचर, अगर नॉर्मल हम ही लोग होंगे अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ता और घटता है तो उससे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो जो छोटे माइक्रोब्स हैं तो ये उससे मतलब क्या अचानक हुए टेम्परेचर चेंज से वो भी अफेक्टेड होते हैं. दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर. ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है इसको लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर पाश्चराइजेशन प्रोसेस इस प्रोसेस का नाम दिया गया है. मतलब क्या, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को, इसलिए प्रोसेस पाश्चराइजेशन कहलाती है. जो मार्केट में मिल्क अवेलेबल होता है पैकेट्स में वो पाश्चराइज मिल्क होता है. आप कभी इस मिल्क पर देखिएगा पैकेट के ऊपर लिखा होगा पाश्चराइज मिल्क. इसका मतलब क्या होता है, उस पैकेट में जो मिल्क फील है उसे पाश्चराइजेशन प्रोसेस से पास किया जाता है जिससे कि मिल्क काफी समय तक मतलब क्या खराब ना हो. नेक्स्ट, स्टोरेज एंड पैकिंग. जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चिप्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सब देखिए अक्सर पैकेट्स में रखे जाते हैं. पैकेट्स में जैसे चिप्स है तो उसमें क्या नाइट्रोजन गैस रखी जाती है जिससे उसके अंदर जो पोटैटो चिप्स या और भी चीजें हैं वो खराब ना हो. इस तरह पैकिंग और स्टोरेज द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फूड को खराब होने से बचा सकते हैं. पैकिंग करने से क्या होता है, एयर टाइट जार में हम लोग पैक करते हैं जिससे उस पैक मतलब फूड आइटम का एयर से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता. जब एयर से कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो फूड आइटम खराब नहीं होगा. सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं. आई होप ये आपको समझ आया होगा. अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.